उमर अब्दुल्ला ने ये बताया कि बीजेपी फॉरेन पॉलिसी में फेल हुई है रजा को लेकर, और बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी क्योंकि आप सीएए और एनआरए जो है वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है जिस राजनीतिक दल और जिस परिवार और पार्टी का काम सदा से झूठ बोलना ही था, और ये परिवारवादी पार्टियां झूठ बोलकर सत्ता में आती रही। श्रीमान उमर अब्दुल्ला को मैं इतना ही कहूंगा कि सीए नागरिकता देने का कानून है जो 2014 से पहले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उनको नागरिकता देने का कानून, नागरिकता छीनने का नहीं। झूठ बोलना बंद करें। दूसरा, भारत ने फलस्तीन को लेकर बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत कहीं पे भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। भारत कहीं युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति ही चाहता। सर, मोदी जी ने अपने जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड वापस मिलेगा, क्या ऐसा देखा जा सकता है? जम्मू कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेट हुड भी जम्मू कश्मीर। जो हमारे पार्टी के नेता ने कहा उसके साथ सब खड़े हैं साथ। हमें किसी से कोई डर नहीं, चुनाव हम देश की 550 सीटों पे लड़ते भी नहीं, बहुत सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ते। जब हम चुनाव जीतने की स्थिति में या बहुत अच्छा जीतते हैं लड़ते हैं, वहाँ लड़ते हैं। हमने पिछली बार 303 सीटें जीती, 72 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी देश में अगर 375 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर थी तो आप हमारी ताकत समझ सकते हैं। 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार किसी राजनीतिक दल को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम। आपको लगता है इंडियन अलायंस थ्रेट है बीजेपी के 400 पार को? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट जीतने की लड़ाई लड़ रही है, 400 पार की, और कांग्रेस 40 पार की। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन अलायंस हैक होकर 400 पार? देखिए, इंडियन अलायंस है कहाँ, ना नेता एक, ना नीति एक, और नीयत में भी फूट। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग देश के कई टुकड़े देखना चाहते हैं, देश के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कराना चाहते हैं, देश को असुरक्षित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये कभी देश हित में सोचने वाले नहीं। ये कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी सोच दिखाई है। पहले एक्साइज चीन का एरिया, चीन के साथ लगता 1000 किलोमीटर भूमि चाइना को दे देना, भारत का हिस्सा दे देना, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके समय गया, कच्चा थीवू आइलैंड इनके समय गया। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के हितों के साथ भेदभाव किया है, सुरक्षित नहीं रखा।